मैं यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अगर आप मुंबई में हो और रमजान का महीना है और मोहम्मद अली रोड ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। 4-5 साल के बाद मुझे मुंबई में रमजान करने का मौका मिला, इसलिए हम सब ने प्लान बनाया कि जाते हैं मोहम्मद अली रोड। आज मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ मोहम्मद अली रोड की खाऊ गली, इसलिए बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, फुल वीडियो वॉच करिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहम्मद अली रोड पहुंच गए हैं और ये जो मस्जिद देख रहे हो ये है मोहम्मद अली रोड की मीनारा मस्जिद। हर साल रमजान में यहाँ पर इसी तरीके से रौनक लगी होती है, आप लोग लाइटिंग वगैरह देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है रमजान मुबारक। रमजान के पूरे महीने में रात मतलब सहरी तक आपको ये यहाँ पर इसी तरीके से रौनक लगी हुई नजर आएगी। लोग खाने पीने के लिए दूर दूर से आते हैं। ये है बिस्मिल्लाह कॉर्नर, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये गर्मा गर्म बना रहे हैं। मैं लाइव आप लोगों को दिखा रही हूँ, टिक्का वगैरह सेक जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। طعم الدنيا تغير فرحة قلبي بتكبر क्या है मोहब्बत का शरबत है कैसे एक गिलास हाफ 20 फुल 40 रुपए। अच्छा और ये सब क्या है? मोहितो है, मले वाटर है, ग्रीन एप्पल है, मिंट मोहितो है, लेमन मोहितो है, कौन सा चीज। आई होप कि मेरे साथ आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे मोहम्मद अली रोड की खाऊ गली को। माशाल्लाह जरूर कहिएगा और अल्लाह ताला से दुआ है इन सब के रिस्क में अल्लाह ताला बरकत दे। रमजान के महीने में दूर दूर से लोग आते हैं सिर्फ मोहम्मद अली रोड घूमने के लिए, देखने के लिए, खाने के लिए। हम भी ईशा के बाद रात को ही गए थे, फिर भी देखिए क्राउड आप लोग देख सकते हैं। और ये है मीनारा स्वीट्स, ड्राई फ्रूट शाही टुकड़ा जो है पर पीस 50 रुपीज है। क्राउड की वजह से कैप्चर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश पूरी की है कैप्चर करने की। यहाँ देखिए स्पेशल ऑफर चल रहा है, 1 शॉर्मा 40 रुपीज, 3 शॉर्मा 100 रुपीज। ये देखने में बिल्कुल इडली जैसा लगता है लेकिन ये इडली नहीं है, ये एक डेजर्ट है जिसका नाम है संदल। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स वगैरह देखिए डाला जाता है, आई थिंक इसको भी स्टीम में ही ये पकाते हैं। ये देखिए चाइनीज ग्रिल, काफी रश होता है चाइनीज के लिए, बहुत ही आइटम फेमस है। क्राउड आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए। ये है मुंबई की सबसे मशहूर शॉप जो कि सलमान उस्मान मिठाई वाला, इसे किसी के पहचान या नाम की जरूरत नहीं, ये अपने आप में एक मिसाल है। ये मिठाइयों के लिए जाने जाते हैं, इनका गुलाब जामुन, शाही टुकड़ा, रबड़ी या फिर अफलातून कह लें बहुत फेमस है। यहाँ आए और रबड़ी ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता। 90 रुपए की रबड़ी है। और ये क्या है? 90 रुपए। अच्छा चिल्ली है, रबड़ी आपको ऐसे कुल्लड़ में मिलेगी। ये 90 रुपीज में एक है रबड़ी, 50 का एक है, एक दिन 50 की एक रसमलाई। ये देखिए यहाँ का फेमस है, ये शाही टुकड़ा 120 रुपीज का है। देखिए मावा भी है, ये मावा खाजा है, मावा खाजा 70 रुपया। और ये वाला ये फ्रूट के, फ्रूट खाजा है। अच्छा ये फ्रूट खाजा है, ये कितने का? 240 रुपए का। 40 रुपए का, 240 का। अच्छा 240 का मावा खाजा, फ्रूट खाजा। ये देखिए काला लाल सारे गुलाब जामुन 560 रुपीज़ पर केजी। ये देखिए ये है तवा कॉर्नर, यहाँ पर आपको तमाम तवा फ्राई आइटम मिलेंगे लाइक कलेजी फ्राई, गुर्दा फ्राई। अगर आज की वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ये सब चिकन में है? सब चिकन में है? हाँ सब चिकन में। अच्छा स्टार्टर में है। हाँ हाँ क्या प्राइस है? 300 का 100। अच्छा तंदूरी अलग है, 500 का, हाफ 250, हाफ 250 का, फुल 500 का। ये स्टॉल बिल्कुल सुलेमान उस्मान मिठाई वाले के अपोजिट में है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। खाऊ गली में ही आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। माशाल्लाह कुजीन ये रेस्टोरेंट बहुत फेमस है, यहाँ पर इतना ज्यादा रश होता है कि वेट करना पड़ता है जैसे कि आप लोग देख भी सकते हो। यहाँ पर एसी नॉन एसी दोनों सिटिंग एरिया है। ये देखिए ये है बीके मल्टी कुजीन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको तंदूरी टिक्का ये सारे आइटम मिलेंगे। मैं आप लोगों को लाइव दिखा रही हूँ, अगर आप नॉनवेज लवर हो तो यहाँ पर एक बार विजिट जरूर करना।
क्या आइटम? चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, अचारी है, बंजारा टिक्का है। चिकन टिक्का है, पनीर टिक्का है, अचारी है, बंजारा है, नेक अचारी है, अंगारा है। अच्छा, क्या प्राइस है? ये 360 रुपए का आएगा, ये अगर 360 रुपए है। 260, 360 ऐसे हाफ का या फुल का? मोहम्मद अली रोड अगर आप आते हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक खाने के लिए, यहाँ पर शॉपिंग के लिए भी एक से बढ़कर एक दुकानें देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन क्योंकि आज मैं सिर्फ खाऊ गली को एक्सप्लोर कर रही हूँ, इसलिए आपको सिर्फ खाने वाली चीजें दिखा रही हूँ। ये है बुरहानपुर जलेबी सेंटर, यहाँ पर गुलाब जामुन जलेबी मिलेगी। काला गुलाब जामुन 50, ये कैसा? 100 रुपए पाव। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम, और आपको इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहे। इसके बाद हम जाएंगे बड़े मियाँ के पास, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनका सूप बहुत फेमस है। ये देखिए, बड़े मियाँ का चिकन सूप बहुत फेमस है। इनका भेजा फ्राई, गुर्दा फ्राई। इनके यहाँ इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि लोग एक एक घंटे वेट कर रहे होते हैं। ये देखिए बड़े मियाँ का, यहाँ सब बैठ कर खाते हैं इस तरीके से। खाने पीने के अलावा आपको यहाँ पर खजूर, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ आए और हैदराबादी फूड ना खाए, अगर आप यहाँ आते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, जैसे सुलेमान उस्मान मिठाई वाले की फिरनी हो गई, रबड़ी हो गई, और जैसे कि नूरानी मिल्क सेंटर है, वहाँ की आप मिल्क शेक वगैरह ट्राई करना। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, माशाल्लाह कुजीन है, चाइनीज़ एंड ग्रिल है। इसके अलावा बड़े मियाँ का सूप, गुर्दा फ्राई, हैदराबादी हलीम हो गई, मालपुआ हो गई, ये सब आप ज़रूर ट्राई करना अगर आप यहाँ आते हो। अब ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।